ये है ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ मैं। तो पहले मैं हल्का सा लेप बेसन का लगा दूँ, बेसन का लेप लग गया। अब इस पे थोड़े से मैं ये आलू प्याज का जो मैंने मसाला बना रखा है पकौड़ी के लिए ये लगाऊंगी, धीरे से इसको सेफली मैं कढ़ाई पे डाल दूँ। ये वाली ब्रेड पकौड़ा खाने का मज़ा ही अलग है। धीरे धीरे ब्रेड के नीचे जो सब्जियां लगी वो सिकेंगी, करारी हो जाएंगी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये ब्रेड पकौड़ा लगेगा, एकदम गोल्डन ब्राउन। मीडियम आंच में पक रहा है, गरम तेल ऊपर डालते जाइए, ऊपर का भी पोर्शन धीरे धीरे गरम तेल में पकना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें सब्जी लगी है तो नीचे का पोर्शन हमें बहुत अच्छे से पकाना है, अच्छे से तलना है, उसको क्रिस्पी करना है। प्यारा कलर आया, ऊपर का प्याज बिल्कुल क्रिस्प हो गया है। मीडियम आंच पे ही मैं इसको सेक रही हूँ। ऊपर ऊपर से मैं ऐसे प्रेस कर दे रही हूँ ताकि जो हमारा आलू भी है नीचे वो भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए, कच्चा ना रहे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मस्त ब्रेड पकौड़ा आलू और प्याज की भजिया के साथ। चाय भी बनने वाली है, चाय का पानी चढ़ा दिया साथ में, पकौड़े और चाय का कॉम्बिनेशन तो सबसे ज़्यादा लाजवाब होता है।